कोरोना अलर्ट पार्ट 5 लखनऊ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय कोरोना ने पूरे विश्व में कहर मचा रखा है। इटली हो, जापान हो, चाइना हो, स्पेन हो, ईरान हो, वहाँ की स्थिति अत्यधिक भयावह हो चुकी है। कोरोना से हमको कैसे बचना है, हिंदुस्तान को कैसे बचाना है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉकडाउन की जो नसीहत हम लोगों को दी गई है, लॉकडाउन का जो पालन करने का हम लोगों को दिया गया है, पूरी तरह से उसको करना चाहिए। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मैम, हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं और कोरोना वायरस के चलते गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि घर घर जाकर सैनिटाइज किया जाए, तो हम आपका घर को सैनिटाइज करने यहाँ आए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने। आओ प्लीज कर दो हमारा पूरा घर सैनिटाइज। आजा भाई, फटाफट लूट लेते हैं, चल गई अपनी चाल। आजकल हमारे देश में अपराधी इतने शातिर हो चुके हैं कि जैसे ही कोई घटना होती है उसी तरह वो अपना अपराध करने का तरीका बदल लेते हैं। अभी कोरोना वायरस के चलते बहुत सी घटनाएं ऐसी देखने को आई हैं कि जिसमें अपराधी ये कहकर कि हम सरकार की तरफ से आपके घर को सैनिटाइज करने आए हैं और अंदर घुसकर सभी घर वालों को बेहोश करके लूटपाट करके ले गए। तो आप सब लोग इस चीज से जरूर सावधान रहें, सरकार ने अभी तक ऐसे घरों को सैनिटाइज करने की। पुलिस ने बड़ी सख्ती के साथ कई शहरों में लॉकडाउन कार्यक्रम को करने में बड़ी मशक्कत की है और खुली तौर पर घूमने वाले लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा है, जिससे कि लॉकडाउन सख्ती से लागू किया जा सके और कोरोना से बचाव हो सके। आप लोग
देखो तमाशा शुरू हो गया है, अब कोरोना वायरस की मैं रेल बांधूंगा सालों की, छोड़ूंगा नहीं।